अगली बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक आज उज्जैन में होनी है और इसी के चलते अनौपचारिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। तो वहीं मंत्रियों के साथ बाबा महाकाल कॉरिडोर का सीएम निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। तो वहीं युवाओं को राशन परिवहन का रोजगार सरकार देगी। प्रदेश में अब राशन दुकानों पर युवा राशन पहुंचेगा, आपको पहुंचाएगा। आपको बता दें कि अन्नदूत योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, साथ ही बिजली खरीदी का अनुबंध खत्म होगा। कुटुंब न्यायालय में नए पदों को भी स्वीकृति मिलेगी। तो आज की बैठक काफी खास, ये तमाम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगने की बात भी यहां पर कही जा रही है। तो इसी खबर पर सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अमीन बेग जुड़ गए हैं। अमीन, शिवराज कैबिनेट की एक विशेष बैठक होने वाली है। देखिए, बैठक इसलिए खास हो जाती है क्योंकि उज्जैन का जो जिस तरीके का दौरा देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तैयारियां तो होगी ही और उस पर बातचीत तो होगी, लेकिन अन्य कई सारे ऐसे प्रस्ताव है जो कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए काफी खास है। देखिए, बिल्कुल, आज पूरी कैबिनेट जो है वो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंची है, यानी कि पूरी सरकार जो है वो आज उज्जैन में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट की बैठक आज उज्जैन में रखी गई है और अमूमन ये कैबिनेट की बैठक बल्लभ भवन में होती है भोपाल में, लेकिन चूंकि जो कॉरिडोर बनाया गया है उज्जैन में महाकाल मंदिर में, उसका निरीक्षण तो ये सभी मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे ही। कैबिनेट की बैठक वहां पर होगी और प्रधानमंत्री जो कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं उसके कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। खासतौर पर कैबिनेट की बात कर ली जाए तो कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है उनको आज हरी झंडी मिल सकती है। खासतौर पर जो मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना है उस पर आज कैबिनेट में मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो राशन लाने ले जाने में जो अब तक ठेकेदारों को जो जिम्मेदारी दी जाती थी, अब उनकी जगहों पर युवाओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी कि उनको रोजगार मिल सकेगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो खरगोन के महेश्वर में जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिलेगी। कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मोहर लगेगी। न्यायिक सेवाएं, वेतन, पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद लाभ बढ़ाने के संशोधन का प्रस्ताव है, उस पर कैबिनेट में मोहर लग सकती है। कैबिनेट के बाद अनौपचारिक चर्चा होगी। अनौपचारिक चर्चा में जो एजेंडे को शामिल किया गया, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उज्जैन आगमन हो रहा है उसकी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। कॉरिडोर जो बनाया गया है उसकी समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर इंदौर में आज सरकार है, आज एक दिन के लिए इंदौर से सरकार चलेगी, कैबिनेट की बैठक होगी, बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और कॉरिडोर का निरीक्षण किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए आज तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस पर बातचीत तो होगी, साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर भी लग सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी देने के लिए।